नमस्कार दोस्तों, एयर राइफल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको NX 200 एयर राइफल दिखाएंगे। इस पर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज हमारे पास इसके काफी मॉडल और काफी कलर अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम NX 200 एथेना के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं एक बार फिर से। यह ब्लैक सिंथेटिक स्टॉक विद ब्लैक कलर बैरल, और ये ब्लैक कलर के स्टॉक और सिल्वर कलर या क्रोम कलर में बैरल, और ये ब्लैक बैरल विद कैमो कलर स्टॉक, और ये रस्ट प्रूफ बैरल और कैमो कलर में फाइबर स्टॉक, और ये वुड कलर में फाइबर स्टॉक, ब्लैक कलर में बैरल, और इसी में अवेलेबल रहेगी सिल्वर कलर में बैरल और यही वुडन कलर में फाइबर स्टॉक। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह है भारत की बेहतरीन एयर राइफल NX 200 एथेना, जो कि नाइट्रो पिस्टन में है, सबसे बैरल लेंथ की 450 mm, यानी कि 45 सेंटीमीटर, और ओवरऑल लेंथ इसकी 1095 mm, 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा। नाइट्रो पिस्टन है, ये भारत की ये पहली एयर राइफल है जो कि नाइट्रो पिस्टन में है, पिस्टन ऑपरेटेड है, और 0.177 कैलिबर, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन, 3 किलो 150 ग्राम के लगभग इसका वजन है जो कंपनी ने बताया है, और ये फाइबर स्टॉक में है, सॉरी ये फाइबर स्टॉक है, और अलग अलग कलर्स आते हैं इसके फाइबर स्टॉक में, वो सभी कलर्स हम आपको दिखाएंगे आज फाइबर स्टॉक के। और अगर FPS की बात करें तो 860 FPS कंपनी क्लेम करती है इसका, जो इसकी बुलेट निकलेगी, इसका पैलेट निकलेगा 860 फीट पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी है, और जिसका जो ट्रिगर है ये 2-स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है फ्रंट साइट, और ये इसकी जो रियर साइट है ये एडजस्टेबल है विंडेज और एलिवेशन के लिए, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट इसको हम सेट कर सकते हैं, यहां से ये ऊपर नीचे आएगी और ये जो एडजस्टमेंट है इससे ये लेफ्ट राइट, जो बुलेट अगर लेफ्ट राइट जा रही है तो यहां से एडजस्टमेंट होती है उसकी, और ये इसकी ऊपर नीचे एडजस्टमेंट रहती है, और इसके ऊपर स्कोप लग सकता है 11 mm डवटेल रेल है इसमें, और एक ये स्टॉपर के लिए, पेच के स्टॉपर के लिए जो माउंट लगेगा उसमें जो पेच रहेगा वो यहां सेट हो जाएगा ताकि वो स्कोप हिलेगा नहीं, उससे कम हिलेगा। तो जैसे दर्शक इसके प्राइस के बारे में पूछते हैं तो पहले तो ये बता दूं कि ये आपको होम डिलीवरी में गन्स मिल जाएंगी, तो नगरी गन हाउस से आप इनको घर बैठे मंगा सकते हैं गन्स को, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, प्लिंकिंग के लिए, और पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, और नो लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन है, लेकिन आपको अपनी ID भेजनी पड़ेगी डीलर के पास और वो आपको इसका कोरियर कर देंगे। और इसके मैं अलग अलग मॉडल दिखाऊंगा, तो इसके प्राइस 13,000 से स्टार्ट होते हैं, 13,000-13,500 से स्टार्ट होंगे ये, और उसमें कोरियर चार्जेस भी रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन जो है वो डीलर के साथ आप बात कर सकते हैं, वो आपको क्या ऑफर साथ में दे रहा है, क्योंकि इसके साथ में अगर आप पैलेट्स मंगवाते हो फिर इसका कवर मंगवाते हो तो थोड़ा महंगा हो जाएगा वो। सेफ्टी फीचर है इसमें, ऑटो सेफ्टी है इस गन में, जैसे ये सबसे सस्ता मॉडल रहता है इसमें NX 200 रखना में, और जैसे ये पूरा ब्लैक है, फाइबर बट है इसका, ब्लैक बैरल है, और अगर हम इसी में इसको देखें तो इसमें ये निकल कलर का बड़ा ही प्रीमियम लुक आ रहा है इसमें, एक सिल्वर कलर का, तो ये रस्ट प्रूफ बैरल है ये, तो इसमें और इसमें अगर हम प्राइस की बात करें इन दोनों मॉडल्स में तो इसमें 1000-1200 रुपए का डिफरेंस आ जाता है अगर आपने ये वाला कलर लेना है। ये बहुत ही अच्छा लुक दे रही है बैरल, जैसे कि आप देख रहे होंगे सिल्वर कलर में लुक दे रही है, और ये रस्ट प्रूफ है। अब इसमें अगर ये वाला कलर आप देखें तो सिंथेटिक वुड फिनिश में है, ये चॉइस है आपके पास कलर की, काफी वैरायटी है इसमें, और फाइबर में है ये, सिंथेटिक में है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, और इसी में इसका रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा उससे, तो जैसे मैं बताया 13-13,500 से स्टार्ट होगी, 15-16 तक भी ये जा सकती है, और अगर स्कोप लेते हैं साथ में तो उससे भी ज्यादा जाएगी, और इसी में सिंथेटिक वुड फिनिश में अगर हम देखें तो ये अगर इसमें सिल्वर कलर की जो बैरल आ गई है जो कि रस्ट प्रूफ है तो इसका रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा।
अब तीसरी जो कलर ऑप्शन इसमें रहती है वो है सिंथेटिक कैमो कलर, जैसे ये है। हेलो, तो ये भी प्रीमियम लुक देता है काफी, और इसमें भी ब्लैक कलर की बैरल भी रहती है और वैसे ये सिल्वर कलर में रस्ट प्रूफ बैरल भी रहती है। तो इसमें भी प्राइस चेंज होता है, प्राइस बढ़ता है इसमें भी। तो ये हमने आपको आज NX200 एथेना के जो सारे मॉडल थे हमारे पास, सिंथेटिक स्टॉक था, ये कैमो स्टॉक में आ गया और वुड फिनिश में जो स्टॉक था इसका, तीनों कलर आपको हमने दिखाया आज इसमें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।